पचास हथियार से मुरारीलाल को जिताना है, पचास हथियार से कांग्रेस को जिताना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आदरणीय लक्ष्मण जी और आदरणीय मुरारीलाल जी मीणा साहब, ये अच्छा मौका हुआ आप भी यहाँ बैठे हो और इस जनता जनार्दन के बीच में मैं भी आपके बीच आ गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आदरणीय मुरारीलाल जी और मीणा समाज के जो भामाशाह बैठे, जो नेता बैठे हैं, उन नेताओं से कहना चाहता हूँ, अरे इस बच्चे में क्या कमी है, इस बच्चे की 44 साल में मैंने सबकी अंगुली पकड़ी, मैंने किरोड़ी लाल जी की अंगुली पकड़ी, किरोड़ी लाल जी को खून का तिलक किया कि किरोड़ी लाल जी आप मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझे भी राजनीति में कई मौका दे दो। मैंने मुरारी लाल जी आपकी बेटी चुनाव लड़ी, उसमें मैंने क्या कसर छोड़ी, मैंने क्या कमी छोड़ी, आपकी बेटी के प्रचार में मैंने क्या कमी छोड़ी, क्या कसर छोड़ी। आपका स्वास्थ्य खराब था, आपका स्वास्थ्य खराब था, आपका स्वास्थ्य खराब था, आपकी तबीयत खराब थी। आप ये कह रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं टिकट नहीं लड़ूंगा। जब आपने ये कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं टिकट नहीं लूंगा, तो मैंने गलती कर दी, मैंने टिकट मांग लिया कि मुझे टिकट दिला दो। अरे मुरारी लाल जी, आपका तो फर्ज बनता, आप तो चाहते कि आपके कोई बच्चे नहीं है, हम तो आपके बच्चे हैं, हम तो गोलमा के बच्चे हैं, जिनका कोई बच्चा नहीं है उनका नरेश बच्चा है। आपको आगे बढ़ के सचिन पायलट से कहना चाहिए था कि ये बच्चा बहुत दिनों से टिकट मांग रहा है, इस बच्चे को टिकट दे दो, इस बच्चे को हम जिता के लाएंगे, तो ये जनता भी मानती कि मुरारी लाल ने तो कम से कम किसी को आगे बढ़ाया। मुझे कल से नींद नहीं आ रही। अनिल चोपड़ा को टिकट मिल जाता है, प्रहलाद कुंजल कल कांग्रेस ज्वाइन करता है उसको टिकट मिल जाता है, राहुल कस्बा कांग्रेस ज्वाइन करता है उसको टिकट मिल जाता है, और नरेश मीणा से कहा जाता है तुम्हारा भी टिकट में नाम है, तुम भी ज्वाइन कर लो, तुम्हें भी टिकट देंगे। मुझे ज्वाइन भी करवा ली, मेरी जात भी बिगाड़ ली, मैं 27 तारीख की तैयारी कर रहा था और मुझे कांग्रेस ज्वाइन करा के और रात को नाम आता कि नहीं नरेश तुम्हारा कोई नंबर नहीं। क्या तो आप सब लोग ये कह दो कि नरेश तेरे लिए राजनीति में जगह नहीं है, नरेश तुझे कभी नहीं बनने देंगे, तू घर चला जा, जिस बारा से वही जाके खेती बाड़ी कर, मैं तैयार हूँ सब पंच पटेलों, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आप इसी मंच में नरेश को कह दो कि नरेश चुनाव मत लड़े, नरेश राजनीति छोड़ दे, मैं बजरंग बली की कसम खा रहा हूँ, उस भक्त प्रहलाद की कसम खा रहा हूँ, नरेश जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, नरेश जिंदगी में तुम्हारे बीच कभी नहीं आएगा, ये मैं आपसे वादा करने जा रहा हूँ। लेकिन मुरारी लाल जी सांसद बन जाएंगे, फिर ये बेटी बेटी है ये दोसा से विधायक बन जाएगी। अरे मुरारी लाल जी, सविता भी सांसद का चुनाव लड़ ली, 5 चुनाव और लड़ ली, आप एमएलए बढ़ गए, अरे आप सांसद बन जाओगे, फिर मेरा क्या होगा, फिर मेरे जैसे बच्चों का क्या होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि या तो मुरारी लाल जी आप आज फैसला करो, क्योंकि जिस तरह से सुनील शर्मा का टिकट वापिस हो गया था, आप चाहो आज भी टिकट बदल सकता है, आज भी टिकट चेंज हो सकता है, और या फिर आप ये घोषणा करो कि दोसा का विधानसभा चुनाव में क्या होगा, लोकसभा के बाद में दोसा का विधानसभा से